अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये फिश आकर जो मैंने बनाया है, ये बहुत ही कम अम्पेयर की बैटरी पर भी ऑपरेट हो जाता है। ये 7 अम्पेयर या 10 अम्पेयर की बैटरी पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, ये बैटरी बिल्कुल कम खाता है। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उन तक पहुंच सके। तो हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका बता दिया था, फिर मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ कि ये जो नीचे प्राइमरी जो कॉयल है वो मैंने 5 लेयर्स लपेटी हैं और ये 25 SWG वायर है। ये प्राइमरी है, इन प्राइमरी वाइंडिंग मैंने जो है ये 25 नंबर वायर और 235 यानी 5 लेयर्स ये मैंने लपेटी हैं। उसके बाद फिर ये वाली वायर है, ये है 19 SWG वायर, इसकी मैंने 18 टर्न्स जो है वो लपेटी हैं। फिर ये दो वायर फिर 25 वाली हैं, ये मैंने 12 टर्न्स ऊपर लपेटी हैं। ये यानी सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी के ऊपर लास्ट सेकेंडरी जो है दिस इज़ 12 टर्न्स एंड दिस इज़ 18 टर्न्स एंड दीज आर 5 लेयर्स, दिस इज़ 25 SWG एंड 5 लेयर्स, 1 लेयर इज़ 45 टर्न्स। ये हमने 235 तकरीबन 225 भी लपेट सकते हैं, 225 और 235 थोड़ा बहुत अगर चंद टर्न्स का फ़र्क होगा तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको हम जो है बनाना शुरू करते हैं। ये जो है ये मैंने ये पैनल एक बनाया है, इसमें 6 6 जो है 2N3055 2N3055 यू कैन यूज़ D718 D718 भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर मैंने 1000 UF 63 वोल्ट, यू कैन यूज़ 25 वोल्ट, 34 वोल्ट, 50 वोल्ट, अबव 25 वोल्ट, ये हम 25 वोल्ट से ऊपर जितने मर्जी वोल्ट का हम यूज़ करेंगे। तो ये जो है ट्रांजिस्टर हैं, इनके कनेक्शन किए हुए हैं और ये सेंटर वाले जो है मैंने ये एमिटर जो है आपस में इकट्ठे किए हैं, साइड वाले बेस हैं और ये इसका कलेक्टर है। दिस इज़ कलेक्टर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एमिटर। मैं साथ में इंग्लिश भी थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ इंग्लिश में, ताकि मेरे जो फिलिपाइन के दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इसमें जो है इंग्लिश में थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ। तो हम अब जो है ये ट्रांसफार्मर को हम बैक साइड में इधर हम इसको फिट करते हैं। ये हमने क्लिप की मदद से इसको फिट कर लिया है, ये देखें। अब ये आउटपुट कॉयल है जो हमने 235 टर्न्स लपेटी थी, ये वो आउट है और ये जो है 19 नंबर वायर है और ये 18 टर्न्स थी। अब इसकी हमने एक वायर जो है हमने ये कलेक्टर के साथ इसको फिट कर देना है। थोड़ी लंबी वायर ले लेंगे, कोई क्लिप बना लेते हैं, उसको हम लगा लेते हैं। तो इसका कनेक्शन बनाने के लिए हमने एक बड़ा मॉस्फेट कोई भी ख़राब जो है वो लेना है, उसको तोड़ लेना है। तो उसका ये सेंटर वाला जो हिस्सा है वो खुला होता है और स्क्रू अच्छी तरह लग जाता है। अब हमने ये कलेक्टर के साथ जो है इसको ऐसे लगा लेना है, बैक साइड में इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। ये इसका कलेक्टर का हमने इधर कनेक्शन लगाना है, इधर हम इसको टाइट कर लेंगे, इस साइड में हम इसको लगा लेते हैं, इसको अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेना है ताकि कनेक्शन लूज ना हो। ये टाइट हो गया। अब ये हमने इसके साथ एक तार ट्रांसफार्मर की, एक तार जो 19 नंबर वायर थी वो हमने लगा देनी है। ये कलेक्टर को हमने ट्रांसफार्मर की ये फर्स्ट वायर जो है ये लगा ली, उसके बाद ये सेकंड वायर जो है ये देखें, इसका डायग्राम है, डायग्राम को भी देख लें।
ये हमने इसकी एक वायर जो है ये 20 टर्न्स, आप 20 भी लपेट सकते हैं 18 भी। तो ये जो है हमने कलेक्टर्स को लगा ली, ये देखिए इसकी एक वायर जो है कलेक्टर को लगा ली। अब दूसरी जो है ये प्लस वोल्टेज है, यानी जिसको हमने वोल्टेज देने हैं प्लस वोल्टेज, ये वाली वायर है इसको हम इसके साथ जो है ये प्लस वायर जो है ये इसके साथ हम लगा देते हैं। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव वायर है उसके साथ, ये देखिए ये कैपेसिटर है ये वाला, वी जॉइन टू द पॉजिटिव ऑफ कैपेसिटर प्लस 12 वोल्ट अदर सेकंड वायर ऑफ ट्रांसफार्मर 19 SWG वायर, ये इसके साथ हमने लपेट दी। इसको हम पक्का कर देंगे, बाकी हम फालतू जो है वो काट देंगे। ये हम प्लस वोल्ट इसको दे देंगे, ये इसके साथ लग गई। अब ये दो तारें हमने यूज़ कर ली जो 19 नंबर है। अब ये दो हैं ये 12 टर्न्स हैं, ये देखिए 12 टर्न्स, ये HT, ये 12 टर्न्स जो है इसकी एक वायर जो है ये वाली वायर हम ये हम लेंगे 215 K की रेजिस्टेंस, उनको हम पैरेलल में लपेट लेंगे। वो जॉइन टू 215 K रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, ये 104 PF है, 104 PF लेना है, उसके ऊपर हमने इसको इसी तरह पैरेलल में दो रेजिस्टेंस और एक 104 PF इनको लपेट कर एक सिरे के साथ हमने डायोड लगाना है IN 5408 IN5408 डायोड, और इसके ऊपर हमने स्लीव चढ़ा देनी है। और ये दिस इज सिल्वर साइड वी जॉइन टू द वन टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस, एक साइड में हम रेजिस्टेंस की इसको लगा देंगे और ये इसके ऊपर हम स्लीव लगा लेंगे। अब ये जो डायोड है, ये डायोड का जो इसका कैथोड है वो हम लगाएंगे, ये जो नेगेटिव हिस्सा है जिधर हम नेगेटिव वोल्ट हैं उधर लगाएंगे, सिल्वर साइड इस साइड में हम लगाएंगे। और इसको हम ये एमिटर्स, ये देखिए कैपेसिटर का जो नेगेटिव हिस्सा है इसके साथ एमिटर्स के साथ है, और एमिटर से हम ये नेगेटिव वोल्ट देंगे, तो इसके साथ हम ये लगा लेते हैं। ये हमने इसके साथ लगा लिया, अच्छी तरह से पक्का करके लगाना है ताकि ये यहाँ से उखड़ ना जाए। और ये जो है ये वाली अब रेजिस्टेंस जो है इसकी एक साइड जो है हम ये पॉजिटिव को लगा देंगे, ये हमने पॉजिटिव को लगा दी, सेम ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसके मुताबिक हमने लगानी है। ये देखिए ये साइड जो है ये हमने 12 वोल्ट को लगा दी, ये दो रेजिस्टेंस हैं और 104 PF, और दूसरी साइड ये डायोड है, डायोड की ये जो जो नेगेटिव साइड है जहाँ से वोल्ट नेगेटिव होते हैं वो हमने एमिटर को लगा दी, और ये इधर इधर हमने ये कॉइल की एक तार जो है ये भी हमने लगा देनी है इसके साथ, ये जो डायोड की साइड है इसके साथ हमने एक वायर इसकी डायोड की लगा देनी है। हम ये वायर लगाएंगे, अगर ये चल गया इन्वर्टर तो ठीक है, अगर ना चला तो हमने ये वायर चेंज कर लेनी है दूसरी वायर के साथ। तो हम इसको पहले ये वायर लगा के चेक करते हैं, पहले हम इन्वर्टर का हिस्सा चेक करेंगे, फिर उसके बाद आगे SCR या हम ट्रैक जो लगाएंगे उसको हम चेक करेंगे। इसको हम अब पक्का कर लेते हैं इन कनेक्शंस को, ये पॉजिटिव, और ये भी कनेक्शन हम इसका पक्का कर लेते हैं, बाकी हम काट देंगे। और ये भी अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं, ये अच्छी तरह से इसको भी पका कर लिया, बाद में अगर उखाड़ना पड़ा तो उखाड़ लेंगे। ये बाकी वायर जो हम काट देते हैं इधर से, ये हमने काट लिया। अब ये डायग्राम के मुताबिक हमने इन्वर्टर के कनेक्शन कर लिए। अब ये हमने 5 ohm 5 ohm 10 ohm की रेजिस्टेंस 10 वाट में लेनी है, 10 वाट में, और ये हमने बेस को लगानी है। ये देखे ये बेस को लगा ले, ये इसका बेस है ट्रांजिस्टर्स का, और ये बेस वाली साइड पे लगा ले या ये कॉइल वाली साइड पे, हम बेस को लगा लेते हैं और कॉइल को हम इसके साथ स्विचिंग कर लेंगे। ये इसका बेस है, अच्छी तरह से पक्की करके हमने वायर इसको लगानी है ताकि ये उखड़ ना जाए। ये हमने लगा ली वायर,
अब इसका हमने ये इन्वर्टर हिस्सा चेक करना है, और ये रेजिस्टेंस हमने लगा ली, और ये वायर जो है हमने रेजिस्टेंस के साथ लगानी है, तो ये स्विचिंग इसकी हम करेंगे। ये एक वायर हम लगा लेते हैं, और यही स्विच जो है हम स्टिक को लगा देंगे। ये दो वायर स्टिक में जो स्विच यूज़ करते हैं ऑन ऑफ, उसके साथ हम इसको लगा लेंगे। व्हेन वी गो टू द फिशिंग, फॉर फिशिंग वी पुट दीज टू वायर टू द स्टिक स्विच। इसको हम स्विचिंग करेंगे तो हमारा पूरा सर्किट इन्वर्टर हिस्सा चलेगा। अब इसको हम जो है वायर्स लगा के चेक करते हैं। ये पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव को लगाते हैं, ये पॉजिटिव को लगा ली, और ये नेगेटिव वायर बैटरी की, ये हम नेगेटिव को लगाते हैं, ये लगा ली। अब ये इन्वर्टर हिस्सा हम चेक करते हैं, ये बैटरी के टर्मिनल को हम ये वायर लगाते हैं, ये हमने लगा ली, और इसके साथ हम लगाते हैं, ये नहीं चल रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने वायर्स ये दोनों, ये वाली इधर लगानी है और इसको इसके साथ स्विचिंग करनी है। हमारा इन्वर्टर नहीं चला तो हमने ये वायर्स जो है इनको चेंज कर देना है। इस वायर को इसके साथ लगा लेते हैं, ये अब हम ये देखें अभी चल गया, अभी हम ये वायर लगाते हैं, ये हम ये देखें अभी हमारा इन्वर्टर हिस्सा रेडी हो गया। अब इसको हम स्पार्क करके देखते हैं, बहुत हाई वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये हमारा इन्वर्टर हिस्सा रेडी हो गया। अब इसके आगे जो है हमने लगाना है, इसके आगे SCR वाला सर्किट, उसके लिए हमने ये दो ट्रैक लिए हैं, BTA 41, ये तकरीबन 600 वोल्ट के हैं, तो ये या 700 वोल्ट में भी आते हैं, ये 600 वोल्ट के हमने दो लेने हैं। इसका ये गेट होता है, राइट साइड इज़ गेट एंड सेंटर इज टर्मिनल टू एंड लेफ्ट साइड इज टर्मिनल वन, सेम लाइक दिस, दिस इज़ गेट टर्मिनल टू टर्मिनल वन, और इसका डायग्राम ये है। इसके हम साथ DB3 लगाएंगे और 104 PF का कैपेसिटर लगाएंगे इसके गेट पर, और टर्मिनल वन को हम ये डायरेक्ट ये नेगेटिव वोल्ट जिधर हमारे बनने हैं उसके साथ लगाएंगे, और इस साइड में हम 5 जो है या 4 भी हम लगा सकते हैं। मैंने 3 जो है ये डायोड है उनको सीरीज में लगा लेना है, और आखिर में हम ये 60 UF का कैपेसिटर है ये लगाना है, आप 35 UF का भी AC का जो आउट हिस्सा होता है, आउटडोर हिस्सा उसमें लगा होता है, 35 का, 40 UF का, 55 का, 60 का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 60 का लगा ले तो बेस्ट है। तो ये एक हमारी आउट जो है ये कैपेसिटर से होगी एक तार से, और दूसरी आउट ये नेगेटिव से, बाकी ये हम सर्किट का हिस्सा जो है बनाते हैं। हमने ये दो लेने हैं, ये BTA 41, ये हमने दो पीस लेने हैं, और इनको हमने इस तरह से जोड़ लेना है, ये दोनों को हमने जोड़ लिया। अब इनके कनेक्शन हमने पैरेलल करने हैं, ये वाली लेफ्ट साइड जो है ये राइट राइट के साथ, सेंटर वाली सेंटर के साथ, और ये लेफ्ट वाली लेफ्ट के साथ। तो ये जो है ये इसका कनेक्शन सेंटर के साथ नहीं होता है, तो हम जो है इस तार को जो है हम ये हीट सिंक के साथ लगा लेते हैं, इसकी ये भी वायर को हम हीट सिंक के साथ लगा लेते हैं, और इधर से हम इसको कॉमन कर लेंगे पूरे को, ताकि ये जो है इसके वोल्टेज जो है अच्छी तरह से गुजर सके। इसको हम हीट सिंक के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमने दोनों जो ट्रैक हैं इनके कनेक्शन जो है पैरेलल में कर लिए हैं दोनों के, ये सेंटर वाले पॉइंट सेंटर के साथ, और लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ, और राइट वाले राइट के साथ हमने मिला लिए। अब हमने 3 डायोड लेने हैं, IN5408, ये वाले हमने सीरीज़ में ले लेने हैं, FR 307 भी ले सकते हैं, HER 308, 309 ये भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने जो है ये सीरीज़ में, और ये वाइट वाली साइड जो है आगे को हमने ये सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगानी है, ये जो इसका सेंटर है हीट सिंक के साथ जो हमने लगाया है, तो इसके साथ हम इसको लगा देते हैं। ये हमने डायोड लगा लिए, इसके बाद हमने एक 100K या 50K का हमने वॉल्यूम लेना है, और उसके साथ जो है ये एक साइड में 15K की रेजिस्टेंस लगा लेनी है। ये देखें ये डायग्राम के मुताबिक ये 15K की रेजिस्टेंस वॉल्यूम की एक साइड में लगाई, दूसरे दोनों पॉइंट जो है वो कॉमन कर लिए, ये देखें कॉमन है, इनको दोनों को टच कर लिए, एक के साथ DB3 लगा दिया,
और एक के साथ 560 के की रेजिस्टेंस। अगर हमारा ये काम अच्छा ना करे ये वाला फिश आकर तो हम इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो अब ये हमने कर लिया, इसके साथ फिर हमने ये एक 104 पीएफ का कैपेसिटर लेना है, और ये जो है इसको हमने ये रेजिस्टेंस है इसके एक सिरे के साथ ऐसे लगाना है। ये देखें डायग्राम के मुताबिक, ये देखें ये नेगेटिव जो है इसके साथ हमने जो फिशिंग को जाता है ये रेजिस्टेंस 15 के की और इसके साथ 104 पीएफ जो है ये लगाना है। तो दूसरी जो है वो साइड इसके साथ हमने लगा देनी है, ये जिधर ये वॉल्यूम का दूसरा सिरा है इसके साथ हम लगा देते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है, इस तरह से हमने इसकी तरतीब करनी है। इनको हम अब पक्का कर लेते हैं, ये इसके साथ हमने मिला दिया और ये कैपेसिटर का दूसरा सिरा है जिधर से, समझ लें ये कैपेसिटर DB3 और 560 के की रेजिस्टेंस तीनों के सिरे वॉल्यूम की एक साइड में लगा देंगे इस तरह से। मैं इसलिए वॉल्यूम के ऊपर कनेक्शन कर रहा हूँ कि आपको समझ जल्दी लग जाए। अब ये DB3 जो है इसके ऊपर छोटी सी हम स्लीव का पीस लगा लेंगे ताकि ये शार्ट ना हो, ये हम एक स्लीव का ऊपर पीस चढ़ा लेंगे इसके ऊपर, बल्कि हम रेजिस्टेंस भी जितनी भी होती हैं उनके ऊपर भी चढ़ा लें तो अच्छा है। ये DB3 को हम ये गेट के साथ लगा देंगे, ये गेट के साथ लगा दिया, ये इसका गेट पॉइंट है, इधर से हम लगा देते हैं, उधर से अगर कनेक्शन मुश्किल है तो हम ऊपर वाली साइड पे ये गेट के साथ हम लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको पक्का कर देना है, ये हमने गेट के साथ DB3 लगा दिया। और अब ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर भी हम स्लीव का छोटा सा पीस लगा लेते हैं, ये हमने रेजिस्टेंस के ऊपर भी लगा दिया। और ये हमने रेजिस्टेंस जो है 560 के की इसको हमने इसके दरमियान वाली तार को लगा देना है, ये जो इसका ट्रैक है इसकी दरमियान वाली तार को इसके साथ लगा देना है। जिस तरह डायग्राम है सेम उसके मुताबिक आपने बनाना है, इंशाल्लाह बेहतरीन ये काम करेगा। तो इसके साथ हम सेंटर में लगा लेते हैं, ये कनेक्शन लग गया। अब ये 104 पीएफ और 15 के को हमने ये इसके टर्मिनल वन के साथ लगा देना है, ये टर्मिनल इसका वन है इसके साथ हमने लगा देना है। इसका टर्मिनल वन ये वाला है और इधर से भी ये है, तो हमने इसको ऐसे घुमाकर मूव करके हमने इसके साथ लगा देना है। ये देखें इस ये टर्मिनल वन है, टर्मिनल वन के साथ लगा दिया, और यहाँ से हमने एक आउट भी लेनी है और टर्मिनल वन के साथ ही हमने एक ट्रांसफार्मर की वायर भी लगानी है। अच्छी तरह से हम इसको पक्का कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस हमने टर्मिनल वन के साथ लगा ली और इस टर्मिनल वन के साथ हमने एक आउट की वायर लगानी है जहां से हमने आउट बोल्ट लेने हैं फिशिंग के लिए। तो ये टर्मिनल वन के साथ हम एक आउट के लिए वायर लगा लेते हैं, फिर देख लें डायग्राम। ये देखिए इसका ये टर्मिनल वन है ये ट्राइक का, यहाँ से आउट है एक और ये ट्रांसफार्मर की इधर एक वायर लगेगी। अब ये ट्रांसफार्मर की दो वायर्स हैं आउट की, एक हम कोई भी जो है एक वायर हम इसको लगा देते हैं ये डायोड को, डायोड की इन पर इसके साथ ये इधर हम लगा देंगे। ये देखिए डायोड की इन पर जो है हम एक ट्रांसफार्मर की वायर लगाएंगे और दूसरी जो है टर्मिनल वन पर, ट्राइक के टर्मिनल वन पर। ये हमने इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया, ये डायोड के साथ एक ट्रांसफार्मर की वायर लगा दी, यहाँ से आगे इसके ने वोल्ट बनाने हैं डायोड ने, और दूसरी वायर ये टर्मिनल इसका वन है इसके साथ हम लगा देंगे। इसी से हमने एक आउट वायर भी लगा ली है और इसको हम अच्छी तरह से सोल्ड करके पक्का कर लेंगे। ये भी हमने वायर लगा ली ट्रांसफार्मर्स की। अब ये कैपेसिटर हमने जो है ये लगाना है, याद रहे कि जब आपने ये वर्क कंप्लीट करना है इसको बनाते हुए तो बार बार आपने एक बल्ब की मदद से इसको डिस्चार्ज कर लेना है। इसमें 400 वोल्ट स्टोर हो जाते हैं, बहुत बड़ा शॉक लगता है।
और इसको अगर स्पार्क करेंगे तो बहुत ही धमाके की तरह आवाज़ आएगी। तो इसको डिस्चार्ज कर लिया करना है जब आपने इसके इस हिस्से में काम करना है। ये इसकी एहतियात है बहुत ज़्यादा। और ये जो है सेंटर वाला इसका टर्मिनल, यहाँ से हम इसकी एक वायर जो है ये कैपेसिटर की हम इधर लगा लेंगे, और एक हमारी ये आउट हो गई और एक है ये, और ये हम लगा के इसको अब टेस्ट भी करते हैं जी। हमने पूरे कनेक्शन वगैरह जो है कर लिए हैं, ये ट्रांसफार्मर के भी, और ये साथ में बल्ब 200 वाट का मैंने अटैच किया है। इसकी आउटपुट अभी 500 वाट है, 1000 वाट नहीं चलाता है। 500 वाट से ही अच्छी फिशिंग होगी, और ये जो है बहुत ही कम बैटरी खाता है, ये मोटरसाइकिल की बैटरी से भी चल जाएगा बिल्कुल। ये ट्रांजिस्टर ज़ीरो गर्म होते हैं, यानी बिल्कुल हीट नहीं होते, ठंडे रहते हैं। तो अब हम इसको जो है चलाते हैं। ये हम पॉजिटिव वायर लगाते हैं, नेगेटिव लगी हुई है, तो ये इसकी पॉजिटिव वायर है, तो हम चेक करते हैं। ये हमने वायर लगा ली है। अब हमने ये दो रेजिस्टेंसें लगाई हुई हैं, एक 5 ओम और ये 2 मिला के 10 ओम। पहले हम 10 ओम पे चलाते हैं, ये 10 ओम पे हमने चलाया इसको, ये 10 ओम पे है, और ये 5 ओम पे, ये 5 ओम पे अच्छा इसका रिजल्ट है। ये देखें, ये अभी देखें इसकी इतनी पावर है। मैंने बिल्कुल नया 500 वाट का जो है बल्ब लिया था, एक झटके में ये जल गया है। इसका शॉक बहुत ही ज़बरदस्त शॉक है। ये 500 वाट अभी निकालता है, तो ये बहुत ही सिंपल है बनाने में और बड़ा पावरफुल है। इंशाल्लाह इसको मैं ट्राई करूँगा, इससे फिशिंग करके उसकी वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।